वहां से अपना मोटर डाल के उधर फेंक रहे। नहीं बोलो बोलो, बाद में लेते नहीं। नहीं, किसी आदमी से किसी को मतलब नहीं है जिंदगी उसकी, उसको गुजारना है तो ये सब, ये क्या है, क्या हो रहा है, कुछ भी काम नहीं है। पानी दे आके फोटो ले आते, काम नहीं करते कुछ भी नहीं। अभी आपको पहले जितनी थी उतनी तकलीफ है या कुछ राहत है आपको? तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह की तरफ से पानी कम हो रहा है। धूपों से जो है लोग बोरवेलों में ले रहे हैं पानी का रास्ता, बनाते बल्कि बनाए नहीं अब तक। यानी कि अल्लाह की तरफ से कम हो रहा है कि हुकूमत की जानिब से कोई कम? हुकूमत के दिमागों को अल्लाह ही चलाते हैं, इनके दिमागों को चला रहे हैं तो भी ये लोग अपनी तरफ से जो है बदमाशी को रोक ले रहे हैं, वहाँ दिख रहा हमारे। आप यहाँ के रहने वाले? यहाँ के रहने वाले। क्या नाम है आपका? एमडी माजिद है मेरा नाम जी। मैं चैनलों पर बोलते जा रहा हूँ, मेरे को कुछ शर्म आ रही बोलने के वास्ते। अब ये 25 साल से हम लोग यहाँ रह रहे थे। ये सब नए लोग हैं, ये KCR, सबिता इंदिरा रेड्डी, ये जितने भी जो है बच्चे सीटों में बैठे हुए, ये सब जो है हमारे सामने के बच्चे आए से नए नए लोग हैं। ये 6-8 मिनरल का काम हुआ यहाँ पर, 10 बस्तियों का पानी ये बस्ती को आके रुकता, 10 बस्तियों का पानी आके डेनिश का यहाँ रुकता। इतनी बड़ी बस्ती में कितनी जगह पे आई डेनिश लाइन आपको? यहाँ पे सिर्फ दो जगह पे है साहब। कुछ राहत मिली आपको? इतनी राहत का आउट गोइंग ही नहीं है इसके अंदर। छोटे गलियों में नालियाँ बना लेने से क्या है, पानी जाता। इसको सब नाला जो है फ्यूचर के लिए सही बजट लगा के सही काम कराए तो आने वाली हमारी जो है जो जनरेशन आएंगी यहाँ पर और 70% डेवलपमेंट आएंगे तो वो लोग को सहूलत मिलेंगी इसके अंदर। ये लोग नहीं समझ रहे लोग, इसके अंदर जो है और 70% डेवलपमेंट जो है बढ़ेगा तो ये जो सब नाला जो है फुल डेवलपमेंट के साथ दिख जाए काम करना। ये लोग ईजी ले रहे हैं, ये लोग खाली बजट पूछ रहे हैं, इनको बजट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं मालूम कि हमारे हुकूमत की तरफ से या हमारे गवर्नमेंट को जो है कुछ काम करने की आशा ज़्यादा दे रहे हैं मैंने मालूम नहीं है। ये हमारे पॉलिटिकल लीडर आते हैं, हमारे को ये काम है वो काम है बोलते हैं, मगर उनको कोई बजट नहीं दे रहे हैं। इस वक्त तो जो है कांग्रेस के लोग आए थे और BJP वाले आए थे और मुख्तलिफ अलग अलग पार्टी आए थे, आपको उनसे क्या राहत मिली आपको? 2003 में चंद्रबाबू नायडू की तरफ से इसके अंदर डीप करने का ऑर्डर पास हो गया है, उसमें वर्क भी करके चले गए लोग, उसकी लिमिट भी FTL की वहाँ पड़ी हुई है। ये लोग क्या करें, पानी जाने का रास्ता बन करके ये पानी को बस्ती के अंदर लगा दिए लेके आए। बाद में 2012 में FTL यहाँ तक है तो ये नए लोग हैं, ये लोगों को मालूम नहीं है। डॉक्यूमेंट ले लेना, बस्ती के पुराने कौन से लोग हैं उनको लेना, ग्राम पंचायत का कौन सा ऑफिसर पुराना है उसका नाम हमारे पास है, डेवलपमेंट कौन दिए उनको पकड़ के ये काम जो है FTL लिमिट बना के रास्ता खुला देना। यहाँ से आउट गोइंग जो है अच्छा डेवलपमेंट की तरह जो है इसको सब नाला बनाए तो आने वाले 70% डेवलपमेंट की जो पॉपुलेशन बढ़ेंगी उनके लिए ये बस्ती को जो लोड पड़ता है ये पानी जाने का रास्ता हम जो है दिए पूरा लोकेशन टाइप करके, उस पर काम अगर नहीं करेंगे तो फिर हमको हैरत हो जा रही, हमको ये परेशानी हो रही कि भाई क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर, हमारे जो लोग बड़े सीटों में बैठे हुए क्या इनके अंदर ताकत नहीं है? क्या ये लोग किसी के गुलाम बने हुए हैं? ये लोग किसी जो है लोगों के गुलाम अगर है तो इनसे नहीं हो रहा होगा, चाहे वो हमारी हुकूमत संभालने वाला हमारा जो है KCR होने दो या जो हमारा कोई भी होने दो, उन्हें भी किसी का गुलाम है कि क्या है कि हमको ये समझ में आ रहा।
क्यों बोलेंगे, किसी का वक्त खराब करने का किसी को जो है वो नहीं है। यहाँ पे सब लोग प्रॉपर्टी ओनर है, इनको तकलीफ है, यहाँ से पानी पास कराना हमारी डिमांड इतनी है। यहाँ से सब नाला डेवलपमेंट के साथ बाबा नगर गुरम चरू के करीब में जो है ले जाके मिलाना, उसको आउट गोइंग मूसी नदी को कनेक्शन है उसको मिला देना, बस्ती को डेवलपमेंट देना। FTL GFTL कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर कहाँ तक है लेवल।